कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण का कोल्ड वॉर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, ये वॉर धीरे धीरे सीरियस होती जा रही है, जो उनकी पर्सनल लाइफ में भी दिखने लगी है। दोनों एक दूसरे के सामने आने से बचती हैं और गलती से आ भी जाती हैं तो अवॉइड कर आगे बढ़ जाती हैं। दोनों से जुड़े एक सूत्र ने अंग्रेजी अखबार से बातचीत के दौरान बताया कि कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण दोनों ही यास्मीन कराची वाला की जिम में वर्कआउट करती हैं। दोनों ही इस बात का ख्याल रखती हैं कि एक समय पर जिम में ना पहुंचे। हालांकि उनके शेड्यूल की वजह से दोनों का जिम टाइम बदलता रहता है। दोनों ही अपनी शूटिंग के हिसाब से जिम का टाइम मैनेज करती हैं। ऐसे में जब भी इन्हें जिम जाने का टाइम मिलता है तो निकलने से पहले वो जिम मैनेजर को कॉल करती हैं। अगर उन्हें दूसरे के होने की खबर मिलती है तो वो अपना प्लान चेंज कर देती हैं। शायद कटरीना और दीपिका ऐसा इसलिए करती हैं ताकि बाकी के जिम मेंबर्स को उनकी स्कूल वॉर के बारे में कुछ पता ना चले। प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो फिलहाल दीपिका पादुकोण डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट में बिजी हैं। वहीं हाल ही में कटरीना कैफ की फिल्म बार बार देखो रिलीज हुई है। हालांकि ये फिल्म उतनी सफल नहीं रही जितनी की इससे उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन सलमान से लेकर रणबीर कपूर तक कटरीना के सभी एक्स बॉयफ्रेंड उनकी फिल्म को प्रमोट करते नजर आए थे।